व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक वन सेकेंड टू माई चैनल, दिस इज अमित। तो फ्रेंड्स, अब हम खड़े हैं बाली ब्रिज पे। यस, बाली ब्रिज पे तो निकले हैं बहुत दिनों के बाद थोड़े से घूमने के लिए। एक्चुअली घूमने के लिए नहीं, थोड़ा सा पूजा देने के लिए। तो जा रहे हैं हम तारापीठ पे। तो तारापीठ यहाँ से 225 किलोमीटर दूर है। तो सुबह निकलना चाहिए था मगर लेट हो गए। अभी बजे 4:50। तो जाते तो 8 बज जाएगा, 8 से ज़्यादा बज सकते हैं, मगर ऐसे ज़ोर से नहीं जाएंगे, स्लोली जाते आप लोगों से आए बातें करते करते हुए जाएंगे और कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट लेने को। और वहाँ पे मंदिर के में पहुँचने के बाद माता की दर्शन कराने के भी बहुत कोशिश करेंगे, अगर हो सके तो ज़रूर दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून, रहिए मेरे साथ और आप लोग से फिर से मिलते हैं बाइक पे जो वहाँ पे खड़ी है। तो ठीक है, चलो चढ़ा। तो फ्रेंड्स, दुर्गापुर एक्सप्रेस वे में हम अभी है और सूरज देवता थोड़ी देर में उठने वाली है, या तो उठ गए। उधर थोड़ा सा क्लाउड के पीछे अगर छुपा हुआ सकता है, ऐसा ही लग रहा है। तो मजाक में चल रहे, तो काफ़ी दूर आ गए, कम से कम 25 से 30 किलोमीटर तक बाली ब्रिज से। तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है सुबह, इतना तो मिलना नहीं चाहिए। ऐसे मुझे थोड़ा लेट हो गया इसके लिए भी हो सकता है। तो एक्चुअली ट्रैफिक के नाम पे सिर्फ बड़े बड़े ट्रैक है और कुछ नहीं, तो इसके वजह से थोड़ा सा स्लो जाना पड़ रहा है। तो रोड तो बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, इसलिए सुबह निकलना पड़ा क्योंकि मानसून सीजन है तो कभी भी बारिश आ सकता है। और बारिश में भीगना तो मैं एकदम ही नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैं भी एक कोविड पॉजिटिव था एक महीने पहले। तो एक महीने हो गया है, मगर सेफ रहना ज़रूरी है, इसलिए बारिश में भीगना मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए सुबह निकल गया क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुँच सके, तो जल्दी से जल्दी पूजा देने के बाद फिर से जल्दी वापस आना है। अगर वापस आते टाइम बारिश हुए तो रुक जाएंगे। ऐसे तो रेनकोट है मेरे पास फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके अवॉइड किया जाए। उधर से चले जाएंगे तो उधर सिंगूर तारकेश्वर, उधर आप चले जाएंगे नंदीग्राम। तो इसके लिए आपको बांस तरफ जो रास्ता अभी दिखा आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। अगर सीधे जाएंगे तो दुर्गापुर चले जाएंगे, आसनसोल चले जाएंगे। तो हम उतना दूर नहीं जाएंगे, वर्धमान जाके वहाँ से राइट टर्न लेंगे सीधा बोलपुर की तरफ, उसके बाद बोलपुर से बाकी रामपुरहाट तारापीठ तक।
तो घर से निकलते हुए अभी तक हमको 2.5 घंटा हो गया। तो 2.5 घंटा में अभी तक मैंने बोलपुर भी क्रॉस नहीं किया। एक्चुअली बोलपुर में मैं पहुंचा ही नहीं अभी तक, पहुंचने में अभी भी 0.5 से 1 घंटा लगेगा। उसके बाद फिर से 70 किलोमीटर रहेगा जो हमें कवर करना है जितना जल्दी हो सके। चलो बाली की नगरी में प्रवेश कर दिया हमने। तो एक्चुअली यहाँ पे सामने ही अजय नदी है, तो अजय नदी से जो रेत है ना वो वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रेत की जो टीला है देखने को मिलेगा। तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे एक टनल से, बहुत ही छोटा टनल है, 10 या 20 मीटर का। ऊपर से रेल लाइन बना हुआ है, नीचे से टनल है। तो सामने टनल है जिसमें से एक बस या एक लॉरी एट अ टाइम आ सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो यही बात है। चलो हेलमेट के बिना है क्या किस वजह से और पुलिस उनको पकड़ा है। चलो हम आ गए अजय नदी पे जहाँ से ये सारे रेत निकलता है। तो शायद अभी पानी हो यहाँ पे, ऐसे तो गर्मी में या अक्टूबर के सितंबर में पानी नहीं होता है। तो अभी बारिश का महीना चल रहा है, थोड़ा पानी हो सकता है। हाँ जी है, ऐसे ज़्यादातर समय सूखा रहता है। तो ये है अजय नदी। तो पिछली बार जब मैं अक्टूबर के महीने में आया था तो ये पूरा सूखा था। तो हम चले आए हैं बोलपुर मार्केट के अंदर। तो यहाँ से बोलपुर मार्केट जो बाज़ार है वो शुरू हो जाता है। तो 0.5 से 1 किलोमीटर लंबा है बाज़ार। तो आज संडे है, थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद और भी ज़्यादा हो जाएगा। वाह वाह वाह, मौज कर दी बेटा, मौज कर दी। तो यहाँ पे दाहिने तरफ जो देख रहे हैं वो स्टेशन था। तो हमको स्टेशन नहीं जाना है, रोड पकड़ना है, तो यहाँ से सीधे जाएंगे। तो यहाँ से अगर बाय ले लेंगे आप, सीधे चले जाएंगे शांति निकेतन पे। और डाय लेंगे तो जाएंगे तारापीठ की ओर या रामपुर हाट की ओर। तो हम तो डाय जाएंगे। तो यहाँ से लेने वाला हूँ मैं राइट टर्न, क्योंकि यहाँ से तारापीठ रोड स्टार्ट हो जाता है। सीधे जाके भी आप रामपुर हाट से इधर आ सकते हैं, मगर वो बहुत ही लंबा रास्ता हो जाएगा। तो गूगल मैप भी यही सजेस्ट करता है, और मैं इस रास्ते से बहुत बार जा चुका हूँ और बहुत ही शॉर्ट रूट है और अच्छा भी है। दूसरी बात, मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वॉइस ओवर करने के कारण ये है कि मेरे गोप्रो ने साउंड रिकॉर्डिंग बंद कर दिया है, और थोड़ी देर बाद गोप्रो वीडियो रिकॉर्डिंग भी बंद कर दिया। इसके वजह से तारापीठ तक मैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इस बार इसके बाद जो वीडियो आप देखेंगे वो सीधे तारापीठ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूँ तारापीठ पे, और ये जयावती पूजा भंडार है जहाँ से मैं पूजा लेके पूजा देने वाला हूँ। तो यहाँ से पूजा लेके बढ़ते आगे
और चलते हैं सीधे मंदिर पे। तो चलिए चलते चलते पहुंच गए हम मंदिर पे। तो मंदिर पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा है क्योंकि आज संडे है, तो संडे के हिसाब से आज भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बिकॉज बहुत दिन बाद सब को मौका मिला है कि ये भव्य मंदिर पे आके दर्शन करने के, माँ को दर्शन करने के लिए। तो शायद जाहिर सी बात है भीड़ तो होगा ही। तो चलिए धीरे धीरे लाइन पे बढ़ते हैं और चलते हैं माँ के दर्शन के लिए। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं और करते हैं माँ के दर्शन। ये है तारापीठ महाशौशान। तो देखिए यहाँ पे है माँ का पैरों का निशान, तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहीं पे है माँ का पैरों का निशान, तो थोड़ी देर में आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। तो तारापीठ में आएंगे तो मंदिर जाने से पहले ये पड़ जाएगा दाहिने तरफ, ये भी दर्शन कर लेना जाने से पहले। लो जी हम पहुंच चुके हैं मुंडो मालिनी तौला पे। तो सीधे जो देख रहे हैं उसको मुंडो मालिनी तौला कहते हैं और इधर बाएं तरफ है मुंडो मालिनी माँ का मंदिर। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मुंडो मालिनी माँ का जो भव्य मूर्ति है उसको दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं मुंडो मालिनी तौला की तरफ। तो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ मुंडो मालिनी तौला के घाट की तरफ। तो यहाँ पे माँ राक्षसों का वध करने के बाद उसके उस राक्षस का सर का माला पहन के आए थे, उसके बाद वो माला यहाँ पे उतार के रखे थे। तो उसके बाद से इस जगह का नाम मुंडो मालिनी पड़ा था। तो ये है वो घाट का नज़ारे। तो फ्रेंड्स पूजा देना कंप्लीट हो गया, देख के समझ ही सकते हो आप लोग। तो पूजा देने के बाद निकल चुके हैं, तो आप जाएंगे सीधे घर की तरफ। तो एक ही रास्ता है, दूसरा कुछ नहीं है जो आप लोगों को अलग से दिखाएंगे, तो शूट करने का कोई बनता नहीं है मतलब। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोशिश करूँगा इससे भी बढ़िया और अच्छी वीडियो लाने को अगर हो सके तो। तारापीठ में फिर आऊँगा तो तब तारापीठ का एक ड्रोन शॉट लूँगा, तब आपको दिखाएंगे तारापीठ का ड्रोन शॉट। ओके, तब तक के लिए टिल देन बाय।